किया, कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए। इतना स्नेह दिया, अपने आप से अधिक प्रेम किया, इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहां तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, छोटी मां क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी मां, आप यहां क्या कर रही हैं? वो आप गिरने वाली थी तो हमें दौड़कर आपको पकड़ने आना पड़ा। वैसे भी हम कुंवर प्रताप के लिए जल लाने जा रहे थे। जाइए, चलते जहां जा रही थी वहां जाइए। कुंवर प्रताप को आपकी आवश्यकता? नहीं छोटी माँ, पहले हम आपको आपके कक्ष में छोड़कर आएंगे। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, आप जाइए। आप हमें मार दे आइए, हम तो आपके आपके पुत्र है ना, आपकी संतान, आपने जन्म दिया है ना हमें, तो आप कैसे मार सकती है हमें? हमें मत मारिए नहीं रानीमा, हमें क्षमा कर दीजिए रानीमा, हमें मत मारिए। हम आपसे बस इतना कहने आए हैं, हम आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपको चाहकर भी नहीं मार सकते। आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कुंवर जगमाल। यदि हमको मार के आपको प्रसन्नता मिलती है तो ये लीजिए छुरी, मार दीजिए हमें, समाप्त कर दीजिए अपनी रानी माँ को। उठिए कुंवर जगमाल, उठिए। हमें एक ही बात का भय है कि हमें मारने के साथ साथ आप उन सारे सपनों को मार देंगे जो हमने साथ देखे थे कुंवर जगमाल। आपका मेवाड़ नरेश बनना, कुंवर प्रताप का विनाश, ये सब कुछ। राणा बनना है ना आपको, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना है ना? हम जानते हैं हमें क्या करना है, और जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे हम। यदि आप हमें मार देंगे तो कुंवर प्रताप आपको दूसरा अवसर नहीं देंगे। हमारी आपसी झगड़े में आपको दंड देने का अधिकार आप उन्हें क्यों देना चाहते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप के लिए हमारी घृणा किसी रक्त संबंध से अधिक गहरी है। क्षमा कर दीजिए रानी माँ, हम बहुत ही लज्जित है, हम तो आपके क्षमा के भी योग्य नहीं है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं रानी माँ। कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि हम इतने कुंठित क्यों हो गए, क्यों हमें अपनी रानी माँ के विरुद्ध बंदूक ताननी पड़ी? हमने क्या किया कुंवर जगमाल? क्योंकि हमारे इस अधोपतन की दोषी आप और आपके प्रिय पुत्र कुंवर प्रताप हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप सबसे प्रिय हैं हमें। नहीं रानी माँ, आप ये सब सिर्फ कहने के लिए बोलती हैं,
जबकि सच तो ये है कि आप पुत्र प्रेम केवल दादा भाई से करती है, और यदि दादा भाई भी यहां होते ना तो भी हम उनसे चिल्ला चिल्ला के कहते कि क्या कि, यदि दादा भाई यहां होते ना तो हम उनको भी कह देते कि कैसे सदा उनके कारण आप हमसे दूर गई है। जब जब हम अपने कक्ष में भूखे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे कि आप आके हमको कुछ खिलाई नहीं, लेकिन आप तो दादा भाई की पसंदीदा खीर या उनके जीरा बख्ते सीने सिलाने में जुटी रहती थी, और इस सब में आपको यह भी नहीं पता चला कि आप केवल और केवल दादा भाई की रानी माँ बन रही है। हमारा क्या अपराध है रानी माँ? क्यों माँ होते हुए भी हमें दादा भाई के कारण हमेशा बिना माँ के बच्चों जैसा बचपन बिताने पे विवश होना पड़ा? क्यों? हमेशा माँ कहते थे कौन जगमा, एक बच्चे को बिना किसी अपराध के पूरे जीवन अपने माँ के प्रेम से वंचित रहना पड़े, और यदि वो प्रश्न उठाए तो उसकी माँ से कहती है क्षमा। हम जानते हैं कौर जगमाल, परंतु हम क्या करें? हम कुंवर प्रताप से इतना प्रेम करते हैं कि उतना स्नेह हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि सब के कारण आपके मन में हमारे लिए पहले विराग, फिर कुंठा और फिर ऐसा शत्रुभाव कि आप सुमार्ग से कुमार्ग में भटक गए और अपनी रानी माँ पर बंदूक टांग दी। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ हमारी भूलों से हुआ है, परंतु आप इन भूलों का दोष अपने दादा भाई को मत देना। हाँ, आप तो जानते ही हैं ना कि आपके दादा भाई का मन कुंदन जैसा है, उनके मन में सबके प्रति प्रेम है, अपने मन में आप उनके प्रति कोई कलुष मत आने देना, अपना व्यवहार मत बदलना, जितनी घृणा करनी है हमसे कर लेना, परंतु अपने दादा भाई से नहीं। हाँ, रानी माँ, आप यहां क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? जगमाल ने जो किया उस कारण को समझने की चेष्टा कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाई जगमाल ने ऐसा किया क्यों, पर अब समझ में आया, अब पता चला कि ये सब हमारे ही कारण हुआ है। भाई जगमाल के इस अपराध के पीछे असली दोषी रानी माँ हम ही हुए ना? नहीं नहीं कुंवर प्रताप, जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तरदायित्व कुंवर जगमाल का है। आप दंड दे दें उन्हें। दंड तो इन्हें देंगे, अवश्य देंगे। नहीं दादा भाई, किंतु ऐसा दंड होगा जो उनके भीतर के विष और कुंठा को निकाल के बाहर फेंक दे, इन्हें एक अच्छा और भला व्यक्ति बनाए। रानी माँ, बचपन में इन्हें माँ के स्नेह और ममता से वंचित रहना पड़ा, हम वो दिन तो वापस नहीं ला सकते। हमारे कारण इन्होंने जो भी खोया है, हम प्रयास करेंगे कि इनका व्यक्तित्व उससे उभर सके। आज से कुंवर जगमाल हमारा उत्तरदायित्व है, हम स्वयं देखेंगे कि ये जीवन में सही मार्ग चुने, सत्य का मार्ग चुने। नहीं दादा भाई, हम तो आपकी क्षमा की भी योग्य नहीं है, आपको तो हमें तभी मार देना चाहिए था। हम तो सब
सचमुच आपको मार देते किंतु सही समय पर रानी माँ ने आके आपको बचा लिया। लेकिन इस सबसे क्या होगा कुंवर प्रताप, जब राणा जी को पता चलेगा तो? दाजी राज को कुछ पता नहीं चलेगा रानी माँ, उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई जगमाल ने आपको गोली मारी। वचन देते हैं आपको रानी माँ कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, चाहे हमें अपने प्राण की राखी देना पड़े। कैसा वचन दे डाला आपने? अच्छा थे, अब यहां क्या कर रही हैं? हम आपको बताने आए थे कि ताजीराज दुर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। हमें बंदूक छिपानी होगी। चाचा भाई, मैं बचा लीजिए दादा भाई। गुर प्रताप। अच्छा थे, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य जगमाल को बचाना है। इस बंदूक को महल में रखना, किसी नए संकट को न्योता देना है। गुर प्रताप, इसे बाहर फेंक कर आते हैं। गुर प्रताप, गुर प्रताप, प्रताप कितने बेचैन थे आपको देखने के लिए। प्रताप, क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कुंवर प्रताप, और हमें उसका उत्तर चाहिए। वो हथियार जिससे शत्रु की आंखों में आंखें डाले बिना आक्रमण किया जाता है, उस हथियार को आज तक छुआ तक नहीं है हमारी पुश्तों ने। फिर आप तो शूरवीर हैं, साहसी हैं, निडर हैं, फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई है इस कायरतापूर्ण हथियार की? यहां इस चित्तौड़ के महल में जहां बप्पा रावल वीर सांगा की तलवारें रखी जाती हैं, वहां पर ये बंदूक क्या कर रही है? ऐसा कौन सा शत्रु पैदा हो गया है कुंवर प्रताप जिसका सामना आपकी वीरता नहीं कर पा रही है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दीजिए। खंबा गड़ी राजवैद्य जी, आप इस समय इस महल में कौन अस्वस्थ है? हाँ जी, ये वैद्य
जी हमने आपसे कुछ पूछा है। कौन अस्वस्थ है इस महल में, इसका उत्तर दीजिए। रानी माँ को गोली लगी। सीता जी, रानी माँ को गोली लगी। किंतु अब कोई संकट नहीं है रानी सा के स्वास्थ्य को। जी राज, ये रावत जी, विनती करते हैं आपसे, इस समय हमसे कोई प्रश्न ना पूछे। रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। हम देखभाल करेंगे ना आपकी। और हम करेंगे आपकी देखभाल। संभाली महाराणा साहब, मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ महारानी साहब, रानी जी ने कुंवर प्रताप के हाथों बंदूक देख ली है। तुम जा सकती हो यहाँ से। कौन जगह? आप जाइए, छुप जाइए कहीं। जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे कि अर्थात ताजी राज को अभी तक कुछ पता नहीं चला। जानते हैं राणा जी, हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस पूरे संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं। व्यंग कर रही हैं आप हमसे धीर भाई जी। आपके अपने ही महल में आप पर कोई गोली चला देता है और आप अपने आप को इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बता रही हैं। जब हम जीवन और मृत्यु के बीच आंख में चूली खेल रहे थे तो हमने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की थी कि मरने से पहले आपके दर्शन हो जाए, और ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हम चैन से मर सकते हैं। कुछ नहीं होगा आपको धीर भाई जी, भाई जी ने भी हमें यही बताया कि कुछ नहीं हुआ है आपको। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच आप अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि भूल जाइए ये सब किसने किया। जैसे एक बुरा सपना, आँख खुली और बुरा सपना समाप्त। नहीं धीर भाई जी, जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था, और ना ही हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाएं। जिसने भी अक्षम्य अपराध किया है हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। धीर भाई जी,
क्या आपने उसे देखा था जिसने आप पर गोली चलाई थी? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वे हम पे बंदूक नहीं चला सकते। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं धीर भाई जी, कि वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके हाथ एक साधारण तलवार उठाने से कांपते हो, वो क्या एक बंदूक उठाकर आप पर गोली चलाएंगे? बंदूक उठाना तो दूर रहना चाहिए, वे आंख उठा के भी नहीं देखते हमें। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। मर्यादा?